परिचय नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी रात में आकाश को देखा है रात में यह चमचमाते तारों और चंद्रमा से भरा होता है ये चांद और तारे कहां रहते हैं हाइए पता करते हैं आओ सीखें ब्रह्मांड के विभिन्न भागों के बारे में जानना तारों ग्रहों और चांद का वर्णन करना हमारा ब्रह्मांड दोस्तों हम आसमान में जो कुछ देखते हैं वह सब ब्रह्मांड का एक हिस्सा मात्र है ब्रह्मांड में कई तारे ग्रह और उपग्रह हैं वे सब बहुत छोटे दिखाई देते हैं यद्यपि वे हमसे बहुत दूर हैं लेकिन वे सभी आकार में बहुत बड़े हैं क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है सूरज आसमान में बहुत से तारे हैं क्या आप जानते हैं कि हमारा सूरज भी एक तारा है बहुत सी गर्म गैसों के एक साथ जलने के कारण सूरज एक बड़े आग के गोले जैसा दिखता है सूरज हमें ऊर्जा और प्रकाश देता है जो धरती पर हमारे जीवित रहने के लिए जरूरी है पौधों की वृद्धि और जीवन के लिए भी सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा जरूरी है यह सार्वभौमिक तथ्य है कि सूरज हमेशा पूरब में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है तारे दोस्तों हम जानते हैं कि आसमान में ढेर सारे तारे हैं कुछ तारे चमकते हैं और कुछ नहीं चमकते आप देख सकते हैं कि कुछ तारे अकेले होते हैं और कुछ समूह या झुंड में होते हैं जो आपस में विभिन्न प्रकार का आकार और आकृति बनाते हैं देखो इसे सप्तऋषि कहते हैं इस चमकीले तारे को ध्रुव तारा कहते हैं यह हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है ग्रह तारों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद हम अपने अगले विषय ग्रहों की तरफ बढ़ेंगे कुछ समय पहले तक प्लूटो को हमारे सौर मंडल का नौवा ग्रह माना जाता था लेकिन आधुनिक शोधों के अनुसार अब इसे नौवा ग्रह नहीं माना जाता अब हमारे सौर मंडल में सिर्फ आठ ग्रह हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं बुद्ध यानी मर्क्य शुक्र यानी वीनस पृथ्वी यानी अर्थ मंगल यानी मार्स बृहस्पति यानी जुपिटर शनि यानी सैटर्न अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून क्या आप जानते हैं कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है क्योंकि सिर्फ यहीं पर जल और ऑक्सीजन उपलब्ध है दूसरे ग्रहों पर जल और ऑक्सीजन होने का कोई सुराग नहीं मिला है इसके अलावा दूसरे ग्रहों पर उपस्थित उच्च तापमान भी जीवन के अनुकूल नहीं है चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है यह पृथ्वी के चारों तरफ अपनी कक्षा में घु चंद्रमा अपना आकार बदलता है रात में हम आकाश में चंद्रमा को देख सकते हैं आप में से ज्यादातर लोग इसे चंदा मामा के रूप में भी जानते हैं आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रमा का आकार प्रतिदिन बदला हुआ प्रतीत होता है प्यारे दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि किसी दिन चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है इस दिन को पूर्णिमा कहते हैं जबकि कभी कभी हमें आकाश में चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता इस दिन को अमावस्या कहते हैं हमने क्या चर्चा की ब्रह्मांड में सभी तारे ग्रह उपग्रह और सभी सजीव एवं निर्जीव शामिल हैं सूर्य एक तारा है सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा सभी जीवों और वनस्पतियों के लिए आवश्यक है आकाश में तारे या तो अकेले या समूह में दिखते हैं हमारे सौर मंडल में आठ ग्रह हैं इनके नाम बुद्ध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण हैं। चंद्रमा को रात में आकाश में देखा जा सकता है चंद्रमा हर रात को अपना आकार बदलता प्रतीत होता है